मेडिकल में सैकड़ों से ज्यादा कोरोना के मरीजों का इलाज जारी है, लेकिन कोरोना के मरीजों की अचानक संख्या बढ़ जाने से मेडिकल में मरीजों को बेड पाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है, जिससे कई मरीज को इलाज नहीं हो पा रहा है। तो वहीं मेडिकल प्रशासन इस ओर ध्यान दे, यही समय की मांग है, ऐसी जनता कहती है। नागपुर के मेडिकल अस्पताल में कोरोना मरीजों के साथ साथ इस अस्पताल में और भी बीमारी से त्रस्त मरीजों का इलाज होता है, लेकिन कोरोना मरीजों के तेजी से बढ़ रहे आंकड़ों को यदि देखा जाए तो अन्य मरीजों का इलाज कुछ गति से हो रहा है। कई बार तो मरीजों की सुविधा नहीं मिलने से उनका इलाज भी नहीं हो रहा है, ऐसी जानकारी मेडिकल अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों ने बीसीएन समक्ष दी है। मैं अनिकेत गुप्ता, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। विलास बोको कॉल आया हमें, सुबह ही हम इधर आए हैं, गए दो दिन से हम बेड के लिए ट्राई कर रहे हैं। जो पेशेंट है सीताबाई पवनकर, उनको तीन दिन से अभी तक कुछ भी खाना नहीं खाया उन्होंने, नारियल पानी के ऊपर है। उनकी रिपोर्ट निगेटिव है, बट उनका ऑक्सीजन लेवल कम ज़्यादा हो रहा है, उनको ऑक्सीजन लगा के रखा है। सिर्फ अभी तक मेडिकल प्रशासन के डॉक्टरों ने अभी तक कोई तरह की उनको मेडिसिन या जो औषध उपचार है वो अभी तक शुरू नहीं किया है कोई प्रकार का। उनसे बात जब हम करने गए हैं, यहाँ पे दो कैजुअल्टी है, एक मेडिसिन का कैजुअल्टी है और एक सर्जिकल कैजुअल्टी है। मेडिसिन की कैजुअल्टी फुल रहने के कारण उनको सर्जिकल कैजुअल्टी में रखा गया है। तो हम उनको डॉक्टर से मिलने गए, डॉक्टर बोल रहा है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम ना कुछ उपचार करेंगे, आपको लगता होगा आपके पेशेंट लेके जाओ, हम उसके लिए कुछ जवाबदार नहीं है, ऐसा उनका कहना है, हाथ ऊपर कर रहे हो। तो ये प्रशासन से, डीन साहब से हमारा ये कहना है कि आपके पास बेड अवेलेबल नहीं तो आप उसके लिए कुछ ट्राई करो ना, यानी इतने सारे पेशेंट आते हैं आपके तब, सिर्फ महाराष्ट्र के ना, महाराष्ट्र के बाहर के भी पेशेंट यहाँ पे आते हैं। इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, आपके पास इतने मानस, इतने लोग हैं, डॉक्टर नर्सेस अवेलेबल है। अभी कंडीशन बेकार है नागपुर के मान्य है, बट कोविड के अलावा भी बाकी पेशेंट्स यहाँ पे रहते हैं। आप देख रहे हैं कि कोविड के अलावा भी पेशेंट की डेथ हो रही है। 9 तारखेला माझ्या मुकेला इथे ॲडमिट केलं होतं 8:20 आणि त्यांनी चेक केलं आणि ऑक्सिजन लावून ठेवून दिलं, त्याच्यानंतर कॅज्युअल्टीमध्ये ठेवलं। मग त्यांनी मला म्हटलं की यांना वार्डमध्ये घेऊन जावं लागते, वार्डमध्ये बेड अवेलेबल नाही आहे थोड्या वेळाने, जेव्हा जसा कसा बी वार्डमध्ये बेड अवेलेबल होईल तसं तुमच्या मोठी आईला आम्ही घेऊन जाऊ। तर मी त्यांना विचारलं की बेड अवेलेबल कवपर्यंत होईल, केव्हा होईल हे सांगता नाही येत मला। तर मी म्हणून जेव्हापर्यंत बेड अवेलेबल होत नाही त्यापर्यंत तुम्ही कॅज्युअल्टीमध्ये ट्रीटमेंट द्या। तर कॅज्युअल्टीमध्ये ट्रीटमेंट काही होत नाही म्हणे, ते जे काही ट्रीटमेंट होईल वार्डामध्येच होईल म्हणे। नागपुर के मेडिकल अस्पताल में दाखिल सभी मरीजों को सुविधा तथा इलाज करने का काम मेडिकल प्रशासन का है। अस्पताल में इलाज करवाने आए शहर हो या ग्रामीण इलाके से आए मरीज, उनका इलाज होना बहुत ही जरूरी है। लापरवाह डॉक्टर को प्रशासन अच्छा मार्गदर्शन करे, यही समय की मांग है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मीरे, बीसीएन न्यूज नागपुर।